Sharma and today's DIY is about full waste material. Yes, अक्सर ही waste material होता है लेकिन इस बार बिल्कुल ही waste material है और कम बिल्कुल budget friendly है. जैसे कि आप ये देख रहे हो आज के title thumbnail में already सब clear बताया है कि ये आज का बहुत decor है जो कि बहुत trend में है, बहुत famous है. और अगर आप लोग इस पे ज़्यादातर पिक्चर्स देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं मेरी तरह, तो जी उसमें बहुत जगह मैंने ये पेंटिंग देखी और बहुत टाइम से मन था कि मैं अपने रूम के लिए बनाऊं और मैंने बना लिया. हाँ, जो तुम पैसे बचाने का कोई मौका तो छोड़ोगे ही नहीं ना. Yes, इसने सही कहा, पैसा बचाना तो मेरा मेन मोटिव होता है. अगर हम पैसा बचा कर ही DIYs नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि DIYs करके आप पहले उस पूरा मटेरियल आप खर्च करो, पैसा खर्च करो, फिर उस चीज़ को बनाओ. तो आई डोंट थिंक कि हाँ थोड़ा बहुत लगता है, आई एग्री फॉर दैट, लेकिन उतना होना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी है और जो कि सबके लिए बजट फ्रेंडली हो. क्विक, इजी एंड ब्यूटीफुल DIYs जो होंगे वो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे. जी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क कर रही हूँ और इसके बदले में सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है. एंड अगर बहुत अच्छी लगे और आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन देने की मन करे मुझे तो प्लीज़ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं. तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जो कि मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो. और मैंने लेगिंग यूज़ किया, लेकिन इसलिए यूज़ किया कि मैं आपको वीडियो में ही इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे इसमें मैंने काम किया है और किस तरह से किया है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं. तो गाइस सबसे पहले तो आपको ले लेना है ये कार्डबोर्ड, कोई भी कार्डबोर्ड ले लीजिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग. कितना बड़ा आपको साइज़ का पेंटिंग बनाना है उसके अकॉर्डिंग. मुझे थोड़ा बड़ा सा चाहिए था तो मैंने यहाँ बड़ा सा कार्डबोर्ड लिया है और एक ही साइज़ के जो है दोनों को काट लिए हैं और साइड में लगा दिया है वाइट टेप. एंड दिस इज़ वॉल पुट्टी, फेविकॉल एंड कलर. यस, जैसो करना है. पिछली बार बहुत से लोग कन्फ्यूज हो गए थे, पर्सनली DM करके भी मुझे इंस्टा पे पूछा गया कि कैसे आपने उस जैसो को बनाया है, प्लीज़ रिपीट कर दीजिए. तो मैंने इस बार रिपीट कर दिया है दोस्तों आपके लिए. तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत इजी से DIY है, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है इसमें. तो पानी मिक्स कीजिए, जितना आपको थिक चाहिए, कितना आपको थिन चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग है. तो बस इसको अप्लाई कर दीजिए, फुली अप्लाई कर दीजिए. यहाँ जी सिंगल कोट से काम नहीं चलने वाला है, डबल कोट तो करना ही पड़ेगा. तो डबल कोट करने के बाद, ड्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है. जी दोनों को मैंने कर लिया था और ड्राई भी कर लिया है. ड्राई करने के बाद हम इस पर स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पेंटिंग, जो कि मैं रैंडमली ही ड्रॉ करने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले कितने हिस्से में मुझे पेंटिंग चाहिए, मैं उसके लिए लगा रही हूँ यहाँ पे मार्किंग टेप, जिससे कि स्ट्रेट लाइन आए, कोई मैस ना होए. ऑफकोर्स यार हम लोग इतने बड़े आर्टिस्ट तो नहीं है कि हमसे मैस ना हो और लाइंस जो है क्लियर जाएं, तो इसीलिए ये सेफ्टी ज़रूरी है. फैब्रिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ. देन ऑरेंज, इसको लाइट करेंगे थोड़ा. देन येल्लो, इसमें मिक्स करके थोड़ा लाइट, मतलब जिन जिन कलर्स की जरूरत पड़ेगी और जिन कलर्स को मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको शो कर रही हूँ. देन येल्लो एंड ऑरेंज एंड सम वाइट मिक्स करके मैंने ये बहु कलर बनाया है. यार प्रिंटरेस्ट पे जो है ना बहुत ही इस तरीके की खूबसूरत पेंटिंग है और मैंने अमेजोन्स जैसे वेबसाइट पे भी सर्च किया, बहुत कॉस्टली जा रही थी. यार मैंने सोचा जब मैं इसको घर में बना सकती हूँ तो व्हाई आई एम बाइंग दिस, क्यों मैं इसको ख़रीद के पैसे वेस्ट करूँ जब मैं उसी का वर्जन जो है अपने घर में लगा सकती हूँ खुद बनाकर. और यार खुद के हाथों की बने की चीज़ की तो आपको एक तो कदर बहुत होती है, राइट? और आप मतलब अंदरूनी जो खुशी मिलती है ना वो DIY करने वाले ही समझ सकते हैं कि आपका, जब आप एक प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत करते हो और वो जो मेहनत खूबसूरत रिजल्ट देती है ना आपको, आय हाय मतलब
दिल खुश हो जाता है यार कि मतलब वाह आपने क्या बना डाला। तो बस वही मेरे साथ फीलिंग थी जब मैंने इसका फाइनल रिजल्ट देखा, मेरे रूम में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। शायद मैं जस्टिफाई ना कर पाऊँ कैमरे में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो रियल पिक्चर्स हमारे आंखों के सामने होती है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते कैमरे के साथ। और सच कहूँ तो इतनी हाई क्वालिटी के कैमरे भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उसको मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, मे बी नहीं हो पाती। लेकिन जो भी कहो यार, आप खुद बनाओगे ना, आप खुद कहोगे कि वाह अंजू आपने क्या शेयर किया है। तो बहुत इजी वे में मैंने शेयर किया है, कोई भी इसको बना सकता है। यस, आपके किड्स भी बना सकते हैं और आप तो बेहद खूबसूरत बना ही सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करते हो तो मेरी इंस्टा हैंडल पे मेरे को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको मेरी DIY ज़्यादा ही अच्छे लग जाते हैं तो प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टा पर। मेरी इंस्टा जो ID है वो बायो में है मेंशन, आप वहाँ से लिंक से क्लिक करके जा सकते हैं और एक बार तो ज़रूर देख सकते हैं। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बाकी आपके अकॉर्डिंग है। या ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप डायरेक्ट कलर से करें तो आपसे इधर उधर तो हो ही जाता है, तो मैंने यहाँ पे पेन से मार्क करके आपको क्या बनाना है वो कर दिया। पहले मैंने ना यहाँ पे मार्किंग लिया, ब्लैक मार्किंग ना, मैंने सोचा इजी में काम कर लेते हैं यार, शॉर्टकट मारते हैं थोड़ा। लेकिन किसी ने सच ही कहा है शॉर्टकट इज़ ऑलवेज फेल, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो ये देखो मैंने किया यहाँ पे शॉर्टकट यूज़, लेकिन उसका रिजल्ट जो है कितना गंदा आ रहा था, मतलब यार मज़ा नहीं आया ना कलर करके। फिर मैंने अपना ही फैब्रिक कलर लिया और मचा डाली धूम। यस, ब्लैक कलर किया, जो कि जो फाइन लुक दे रहा था और इतना शाइनी खूबसूरत। बस 0 नंबर का ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। और आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, अगर बड़ा बना रहे हैं तो बड़ा ब्रश कर लीजिए, और आपकी बारीक करनी है बारीक कर लीजिए। यार इतना तो हम सब को पता ही होता है कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, इतना तो हम कॉमन सेंस लगा ही लेते हैं, है ना। बस सिंपल सी ब्यूटीफुल सी लीव्स जो है रेडी, इस तरह से आप ही ड्रॉ कर लीजिएगा यार, इजी रहता है थोड़ा। क्योंकि क्या होता है ना, जब डायरेक्ट कलर से यूज़ करते हैं ना, आप ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये थोड़ा बारीक काम था तो इसके लिए मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, शॉर्टकट ही ले लेते हैं, मार्क ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बारीक बारीक मुझे चाहिए था इफ़ेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग के साथ कर दिया, बाकी कलर के साथ करेंगे काम। और ये मतलब है तो बहुत सिंपल सा आइडिया, लेकिन यार ये खूबसूरत बहुत लगता है, आपको लगेगा। बस इसको दूसरी पेंटिंग को भी मैं रेडी करूँगी और मिलते हैं आपकी दूसरी पेंटिंग के साथ। तो ये भी रेडी, बस इसमें थोड़ी सी बड़ी लीफ बना दी है थोड़ा और अच्छा इफेक्ट देने के लिए। बस मार्किंग टेप हटा देंगे। और यार मतलब क्या होता है ना कि इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं तो थोड़ी बहुत तो गलतियां हो ही जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गई साइड में, ये देख रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा सा कलर तो निकल गया, बस कोई बात नहीं, मैं इसको वाइट पेंट के साथ क्लियर कर दूंगी। आप भी कर दीजिएगा बनाएंगे तो, है ना, कर ही दे देंगे यार, अपनी पेंटिंग को तो क्लियर करनी है ना। बस हम इसके लिए फ्रेम रेडी करेंगे, जिसके लिए वही कार्डबोर्ड ले लिया बचा हुआ। बस अब उसमें करना है क्या है, ऊपर के पेपर को हटा देंगे। ये बहुत इजीली उतर गया था, मैं सरप्राइज थी कि वाह इतना इजी उतर गया। लेकिन इसके साथ अगर आपका नहीं उतर रहा है ना, तो वो आप क्या कीजिएगा, वाटर का यूज़ कीजिएगा ब्रश के साथ, थोड़ा गीला करके उसको निकाल सकते हैं। कर देंगे इसको ब्लैक, क्योंकि ब्लैक फ्रेम चाहिए थी मुझे, गोल्डन था मन की गोल्डन करूँ, नहीं मैं सोचा ब्लैक ही अच्छा लगेगा। तो ब्लैक करने के बाद से इसकी स्ट्राइप्स काट लेंगे, मुझे ज़्यादा चौड़ा भी बॉर्डर नहीं चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 3-3 की स्ट्राइप्स काट ली हैं। और बस इनको फ्रेमिंग कर देंगे लाइक दिस, इसी तरह से बस। यार ज़्यादा कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना इजी है DIY है कि आई होप कि ज़रूर बनाने वाले हैं आप। फर्स्ट पेंटिंग के साथ डेकोरेट ज़रूर करेंगे, मॉडर्न आर्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। इसी के साथ आज का जो DIY है वो हो जाता है फिनिश।
आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत बहुत अच्छी लगी हो, और आप इसको शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।